बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया गया है। 4000 से अधिक की राशि लेते रंगे हाथों दबोचा है। मौके पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से मिल रही है। आपको बताया था इससे पहले 2 हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया था और अब जानकारी यह है कि चित्तौड़गढ़ में भी एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। ग्राम विकास अधिकारी को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। 4000 रुपए से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है। मौके पर जारी है एसीबी की कार्रवाई। पीके अग्रवाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। पीके अग्रवाल, फिलहाल क्या अपडेट है इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ आपके पास? एसीबी के एडिशनल है केला सिंह सांधु कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी इनको 4000 से अधिक की राशि के साथ में ट्रैप किया है। मौके पर कार्रवाई जारी है। किस एवज में राशि ली गई है, किससे राशि ली गई है, ये एसीबी थोड़ी देर में खुला करेगी, लेकिन बंद कमरे में मौके पर कार्रवाई जारी है। कलेक्ट्रेट पर के बाहर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एसीबी अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है तो उसके बावजूद भी बराबर जिस प्रकार के लोग सामने आ रहे हैं, घुसखोर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं घुसखोरों में हड़कंप भी है, लेकिन लगातार एसीबी की नजर है और बराबर कार्रवाई जारी है। जी पीके अग्रवाल, आप बता रहे हैं कि हालांकि ये नहीं बताया गया कि किस एवज में घूस मांगी गई थी, लेकिन परिवादी ने कैसे संपर्क किया एसीबी से, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? निश्चित तौर पर आजकल जिस तरह से एसीबी एक्टिव हुई है और एसीबी जिस तरह से जन जागरूकता अभियान चलाया है, गांव-गांव जाकर के जिस तरह से संदेश दे लोगों के साथ समझाइश कर रही है एसीबी। हाल ही में चित्तौड़गढ़ जिले में हवा सिंह जो आईपीएस हैं वो आए थे और उन्होंने जिस तरह से जनसंवाद किया था बैगू में, तो ठीक इसी तरह से लोगों के पास सूचना पहुंच रही है, व्हाट्सएप नंबर पहुंच रहा है, जानकारी पहुंच रही है। और ठीक है पीके अग्रवाल, और अभी भी आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल जांच पड़ताल जारी है, कार्रवाई जारी है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।